हरे कृष्णा सब राधे राधे थे आपको यस गुरु महाराज इन्हें बारिश थी जब भी गुड क्राउड ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद The voice is on the board. Ataḥ evaṁ śanaiḥ cittaṁ prasaktam asatāṁ pathi bhakti-yogena tīvreṇa viraktyā nayet vaśam etā eva śanaiś cittaṁ asatāṁ śanaiḥ I wanted more light. Bhakti-yogena tīvreṇa viraktyā nayet vaśam ataḥ eva samāriṣitam vaśatam asatāṁ pathi bhakti-yogena tīvreṇa asatāṁ bhautik bhogon ki pathi patva bhakti-yogena bhakti se tīvreṇa atyant gambhīr viraktyā bhakti se bina asakti ke ca tata nayi var लावे वसम वसमे अनुवाद एवं तत्पर्य कृष्ण के प्रश्न मूर्ति आवाहन चरणार विंद भक्त राम में श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की प्रत्येक भक्त जीव को प्रत्येक भक्त जीव का कर्तव्य है कि वे भौतिक सुख सुखों के प्रति आसक्त अपनी दुष्ट चेतना को वृत्ति पूर्वक अत्यंत गंभीर भक्ति में लगावे इस प्रकार उसका मन तथा चेतना पूरी तरह वश में हो जाए तात्पर्य इस श्लोक में मुक्ति की विधि अति सुंदर ढंग से समझाई गई है प्रकृति द्वारा हद किए जाने का कारण मनुष्य का यह सोचना है कि वह स्वयं भोक्ता कर्ता या समस्त जीवों का या नित्य विचार इंद्र भोग के चिंतन का परिणाम है जब मनुष्य यह सोचता है कि वह अपने देश समाज या किसी या मानवता का सर्वोत्तम मित्र है और तब वह विविध राष्ट्रीय तृप्ति परोपकारी एवं परमार्थवादी कार्यों में अपने
को लगाता है तो यह सब मात्र इंद्र तृप्ति के प्रति अधिक एकाग्रता रहती है। ऐसा तथाकथित राष्ट्रीय नेता या मानवतावादी सबकी सेवा नहीं करता, इंद्रियों की सेवा करता है। यह तथ्य है कि कदाचित इसे नहीं समझ पाता, क्योंकि वह प्रकृति के मायाजाल से मोहग्रस्त रहता है। अतः इस श्लोक में संस्तुति की गई है कि मनुष्य भगवान की सेवा अत्यंत गंभीरतापूर्वक करे। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य अपने को कर्ता, हितेशी, मित्र या भोक्ता न समझे। उसे सदैव इसका भान होना चाहिए कि वास्तविक भोक्ता तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। यही भक्ति योग का मूल सिद्धांत है। मनुष्य को इन तीन सिद्धांतों के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाना चाहिए। कृष्ण स्वामी है, कृष्ण भोक्ता है और कृष्ण ही मित्र है। उसे इन सिद्धांतों को न केवल स्वयं समझना चाहिए, अपितु उसे चाहिए कि अन्यों को विश्वास दिलावे और कृष्ण भक्ति का प्रसार करे। जैसे ही मनुष्य अपने को भगवान की ऐसी गंभीर भक्ति में लगा लेता है, प्रकृति के ऊपर झूठे ही स्वामित्व दिखाने की रुचि स्वाभाविक रूप से जाती है। यह अनासक्ति वैराग्य कहलाती है। भौतिक स्वामित्व में लीन रहने की बजाय जब मनुष्य कृष्ण भक्ति में लग जाता है तो यह चेतना चित्त का नियंत्रण है। योग विधि में इंद्रियों का निरोध आवश्यक है। क्योंकि इंद्रियों सदैव सक्रिय रहता है, अतः उनकी सक्रियता को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य उनकी सक्रियता को भोग नहीं सकता। यदि किसी कृत्रिम ढंग से कोई उनकी सक्रियता को रोकना चाहे तो प्रयास असफल रहता है। यहाँ तक कि परम योगी विश्वामित्र तो अपनी इंद्रियों को योग विधि से वश में करने का प्रयत्न कर रहे थे। मनिका के सौंदर्य ये शिकार हो गए। ऐसे ही अनेक उदाहरण है। जब तक मनुष्य का मन तथा चेतना भक्ति में पूरी तरह संलग्न नहीं होता, तब तक मन के इंद्र तृप्ति की कामनाओं में लगे रहने की संभावना बनी रहती है। इस श्लोक में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात इंगित की गई है। यहाँ यह है कि प्रसक्त अशांत पति मन सदैव असत अर्थात क्षणिक संसार में अनुरक्त है। क्योंकि हम अनादि काल से प्रकृति के संघर्ष में रहे हैं, अतः हम इस समय प्रकृति के प्रति अनुरक्त रहने के आदि हो चुके हैं। हमें तो परमेश्वर के चंद्रलोक स्थिर करना होगा। सर्व मन कृष्ण प्रभाव मनुष्य को कृष्ण के चंद्रमन में स्थिर करना होता है, तभी सब कुछ ठीक हो सकेगा। इस तरह इस श्लोक में भक्ति योग की गीता पर बल दिया गया है। ओम ज्ञानमनस्य ज्ञानञ्जनाश्रय चक्षुर्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्लोका नंबर अत एव शनैः चित्तं प्रसक्तं सतं पथि भक्ति-योगेन तीव्रेण viraktyā nayet vaśam. तो इस श्लोक को आप भगवतम के थीसिस कर्म में प्राप्त करते हो और थीसिस कर्म में आप पढ़ते हो वर्ण वर्तलाभ जो बीता था किसके पीछे बीता था विभूति उनके पुत्र द्वारा विभूति को पता था कि मेरा बेटा भगवान का अवतार और इसलिए उन्होंने मुझे अनेक प्रश्न पूछे. अगर हमें प्रश्न पूछना है कहाँ पूछना चाहिए जो भक्त आत्मज्ञानी है एक बार स्वयं ज्ञान यानी कि आप किसी को भी पकड़ो से ज्ञान. इसी प्रकार भागवत में आप पढ़ते हो प्रश्न एंड उत्तर क्वेश्चन एंड आंसर. भगवान के भक्त प्रश्न पूछते हैं भगवान उत्तर दे रहे हैं और क्योंकि ज्ञान भगवान के द्वारा प्राप्त हो रहा है वहाँ हमारी पूरी श्रद्धा है ज्ञान. तो यहाँ क्या कहा जा रहा है विभूति ने पिछले तीन अध्याय पहले पूछा प्रश्न से उन्होंने कहा कि मेरे मुझे ज्ञान दीजिए इसके द्वारा ये भौतिक आकर्षण नष्ट हो जाए. श्रीमद् भागवतम के द्वारा आपको शुद्ध भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है और शुद्ध भक्ति ही एक उपाय है जिसके द्वारा आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो. तो देवभक्ति से माता ने बेटे ने पूछा नहीं माँ ने बेटे से पूछा तुम मेरी अज्ञानता को दूर करो. माँ बेटे से पूछ गए और बेटे ने कहा कि क्या भक्ति योग का पालन करोगे भक्तों के संग में ये बहुत ही आकर्षण जो है कर सकता है और समाप्त हो सकता है. तो कपिल देव भगवान आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं श्रीमद् भगवतम में प्रथम स्कंद से लेकर बारहवें स्कंद तक आप किस विषय की चर्चा सुनते हो शुद्ध भक्ति भक्ति नहीं शुद्ध भक्ति. शुद्ध भक्ति का अर्थ क्या है निष्काम भाव से सेवा में जुड़ कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शरणता मुक्ति मुक्ति स्थिति कामी शरणता. भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं खास करके निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं सदा शांत रहेंगे और जो कि एक बौद्धिक इच्छाओं को भी पूरा करना चाहते हैं वो सदा शांत रहते हैं. तो भगवान के पीला देव ने कहा महात्मा को अब भक्ति योग कीजिए. माता ने आगे पूछा भक्ति योग कैसे किया जाए और बेटे ने कहा भक्ति योग का पालन होता है कैसे कैसे हाँ भक्तों की संग में रहकर साधु संग सर्व सत्संग हम मान साधु संग भक्तों की संगत में रहने के लिए. और कपिल देव भगवान कहते हैं भक्तों की संगत में रहोगे तो भक्ति योग क्या होगा वो सरल हो जाएगा. आपका अनुभव होगा कि जब आप भक्तों की संगत में रहते हो भक्ति आसान हो जाती है और अगर आप भक्तों की संगत से जुदा रहो तो आप बेचैन हो जाते हो निराश हो जाते हो. यहाँ तो फिर देने का भक्तों के संग में भक्ति की विधियों का पालन करो. तो आगे के अध्यायों में यही संदेश आ रहा है बार बार भगवत में देखते हो सेम टॉपिक है इसका. तो वे पूछ सकते हैं आप लोग एक ही विषय की चर्चा रोज करते हो आपके पास कोई वैरायटी नहीं है. हमारा उत्तर क्या है प्रभुपाद जी गीता में कहते हैं रिपीटेशन रिपीटेशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम. एक विषय को यदि में बिठाना
वो बार बार सुनना पड़ता है। इसलिए भगवत में कहा गया है नस्तपेश वदेशु इति भगवत सेवे भगवती उत्तम श्लोक है भक्ति भगवती। अगर ध्यान से भगवत को रोज सुनोगे तो क्या होगा, इसकी महल दूर होगी। तो यहाँ कपिलदेव भगवान कह रहे हैं कि हर व्यक्ति का कर्तव्य यह है कि ऐसे कार्य में जुड़े जिसके द्वारा पौधे का आकर्षण दूर हो जाए, और यह संभव है भक्ति योग के द्वारा। तो युवती ने पूछा तो कपिलदेव ने क्या कहा, भक्तों के संग में भक्ति करोगे तो आप भक्ति योग में आगे बढ़ सकते हैं, और उन्नत भक्तों की संगत में रहोगे तो क्या आपको ऐसी ज्ञान मिलेगा, आप प्रसन्न हो। भगवान ध्रुव ने बड़ी गहरी कुछ कठिनाई बस उठाई थी, तो भगवान ने कहा ध्रुव मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट होता पूरा, मेरे से मांगो जो भी बड़ी चाहिए, आज में वह नहीं मेरे प्रोजेक्ट है। तो उन्होंने क्या कहा, मुझे ऐसा मुझे उन्नत भक्तों की संग कर दो, क्योंकि उन्नत भक्तों की संग में रहूँगा रहेंगे तो आदमी ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान बढ़ेगा। तो ये है जीवात्मा का कर्तव्य क्या है कि वो शुद्ध भक्ति में जुड़े और भक्ति योग का पालन करें, विराग्य की भावना दें और मन और चेतना को पूरा वश में करना। मन जो है आपका शत्रु भी बन सकता है और शत्रु कब है, मैंने तो माइंड योर फ्रेंड, जब मन भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करता है तो फिर मन आपका मित्र है, और शत्रु जब मन उसका विरोध करते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति का मन और चेतना पूरा हमें वश में लाना है। भक्ति योग के मार्ग में मन बुद्धि इंद्रियों को सुधारना पड़ता है, भक्ति योग के मार्ग में मन बुद्धि इंद्रियों को शुद्ध बनाना है, प्योरीफाई। वो प्रोसेस ऑफ भक्ति योग इज वन ऑफ प्योरीफिकेशन, हम अपने आप को पवित्र बनाने का प्रयास कर माइंड जो जो भौतिक आकर्षण है उसे हम मुक्त होना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, चेतना को शुद्ध बनाना है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में आचार्यों ने बड़ी गहरी शिक्षा दी है। चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल पहले श्लोक में क्या कहते हैं, चेतन महाराव हमारे मंदिर में इसका उच्चारण करें, वाई दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। सो वी हैव टू प्योरीफाई आर कॉन्शियसनेस, हम यू डू दैट। आपने दो दिन पहले मुन्नी का महाजन्म किया था सबने, ओके। तो गुंडीचा राजा इंद्रदम्न की पत्नी का नाम था, तो मुनि जमाज में आपका चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को लेकर क्या निर्णय किया, इस मंदिर को हमने साफ किया, और चैतन्य महाप्रभु खुद प्रयास कर रहे थे, वो खुद डर्ट है गंदगी है उसे जोड़ रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु अलग अलग भक्त के पास जाते थे, देखते थे कितना कचरा इसने जोड़ा है, और क्या देखा गया था कि चैतन्य महाप्रभु ने खेले सबसे ज़्यादा कचरा उठा गया, सारे जो भक्त थे उनका आप टोटल कर लो वो भी कम था,
महाप्रभु के दीजिए थे। महाप्रभु हर भक्त के पास गए, देखा कितना कष्ट इकट्ठा किया। जब वो देखते थे कि किसी ने सेवा ठीक नहीं किया, जो व्यक्ति जो भक्त सफल हुए थे कहते थे क्या इनको दिखाओ, इनको इस प्रकार चेते महाप्रभु ने क्या क्या चेत धर्म भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं ये जो घटना लीला बीती है उसका मूल उद्देश्य क्या था। मूल उद्देश्य था हृदय को भौतिक आकर्षण से दूर करना। अगर आप हृदय को भौतिक आकर्षण से बचाओगे फिर आप भक्तियों की मीठापन को महसूस कर पाओ। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको बुखार हो तो आपको चाहे कितना भी अच्छा प्रसाद दिया जाए वो टेस्ट नहीं आएगा। ऐसे बताए तो भक्ति की महिमा, हरिनाम की महिमा, शास्त्र की महिमा कैसे उनकी प्रशंसा करोगे। ये प्रशंसा सफल जब होगी जब आप मन द्वारा क्या करो भगवान का चिंतन भी करो। क्योंकि अगर प्रयास से हृदय साफ होता है फिर आप भगवान को और गहराई से समझ सकते हो। रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान के जो नाम हैं चीनी जैसे मीठे हैं, भगवान के जो गुण हैं चीनी जैसे मीठे हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी मीठी हैं, भगवान का जो उपदेश है मीठा है। आज आप भगवद गीता को पढ़ते हो, भगवद गीता का उपदेश कब दिया था? 5,000 साल पहले भगवान ने कहा जब सृष्टि का निर्माण हो जब मैंने किया था। इतना प्राचीन ज्ञान हम आज भी पढ़ रहे हैं, आज भी सुन रहे हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, क्या है कि वो अपने बौद्धिक आकर्षण को दूर करे। फिर कैसे संभव हो सकता है? भक्ति योग के नियमों के पालन करो। प्रभा जी कह रहे हैं तात्पर्य में व्यक्ति को 3 भावों का विचार करना चाहिए। एक है कि हमारे हृदय में दृढ़ भाव होना चाहिए कि कृष्ण भगवान कौन है, असली स्वामी है, इज रियल प्रोप्राइटर। भोक्ता राम यज्ञ सब सफल होगा, भगवान क्या है असली भोक्ता है। तो प्रभु जी तात्पर्य में कह रहे हैं अगर आप भक्ति की मांग में सफलता चाहते हो 3 चीज़ें क्या हो सकते हैं। एक है ये विचार परम भगवान क्या होना है, वो असल में हर चीज़ के स्वामी है। अगर आप ये स्वीकार करो कि परम भगवान हर चीज़ के स्वामी है तब क्या क्या इच्छा रखते हैं कि हम भगवान से हम जुड़े और सबको जुड़े। तो हमें क्या विश्वास करना है पर भगवान जो है क्या है प्रोप्राइटर हैं। फिर भगवान जो है असली भोक्ता है और हमारे असली मित्र हैं। आपका असली मित्र कौन है? भगवान। प्रभुपाद जी जब पत्र का लिखते थे किसी को तो उस मामले में कहते थे योर एवर वेल विशर का मतलब क्या, यहाँ मैं हूँ तुम्हारा शुभचिंतक, मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। और भगवद्गीता में भगवान क्या कहते हैं माता परधर्म धन्य, ये जो सत्य है इसे ऊँचा कोई ज्ञान नहीं है। तो यहाँ कहा जा रहा है तात्पर्य में कि जो भक्त है उसे ये समझना चाहिए क्या कि परम भगवान हर चीज़ के स्वामी हैं। वो ये नहीं कि आप कहो हाँ ये तो भगवान का है पर इस्तेमाल करो विरोध के कार्य में। तो अगर आप विश्वास करोगे
पर भगवान ऐसे मुक्त रहें, फिर आपकी इच्छा हो कि हर कार्य का उपयोग किया जाए, किस लिए? भगवान की सेवा में। भगवान की सेवा में हर कार्य करोगे उसका लाभ आपके में। यहाँ चापे में प्रभु जी कह रहे हैं भक्तियों के सिद्धांत क्या हैं, कि भगवान जो हैं ऐसे भोक्ता हैं, और परम भगवान का चिंतन करो, भगवान का क्या करो, चिंतन करना कठिन है, थोड़ा कठिन है, पर प्रयास करोगे तो सब बन जाता है। तो भगवान की अनेक लीलाएँ हैं, भगवान का उपदेश है, उसका क्या करो, करो। जैसे चेतन में आप लोग अपने हथियार की मैं बादल हूँ, आप सब इतनी भारी बारिश में भी हथियार और कोई मुकाम भी नहीं हो। तो भगवान के भक्तों की अनेक लीलाएँ हैं। एक राजा थे, आज प्रताप जो राजा थे पहले धार्मिक राजा थे, और चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे। तो जो राजा है इसकी बड़ी इच्छा थी कि महाप्रभु का दर्शन मिले, और महाप्रभु कहते थे मैं नहीं दर्शन दे सकता क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, मुझे उनमें कई संग से दूर रहना है जिनके हृदय में बहुत एक भाव। तो जो महाराज प्रताप थे उनकी क्या थी गहरी इच्छा कि महाप्रभु का दर्शन। महाप्रभु ने पहले दर्शन नहीं कहा, फिर उनके छोटे बेटे को दर्शन दिया, उनके बेटे का चेहरा बिल्कुल भगवान जैसे था। तो चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा योजना कर रहे थे पूरी में, तो हर रथ के साथ सात कीर्तन मंडियाँ होती थी, कितनी? चार आगे, एक बाएं तरफ, एक दाहिने तरफ और एक पीछे, और हर रथ के साथ दो मिलन प्रेयर थे। हम अंदाजा लगा सकते हो कितना ऊंचा जोर से वो सम्मिलन बड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु सात कीर्तन मंडियों को योजना करते थे, और वो अपने अनेक लीलाओं को प्रकट करते थे इस रथ यात्रा में। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी देव लीला प्रकट की, और ये दिव्य लीला केवल भगवान के चुने हुए भक्तों को प्राप्त हुआ। और एक और भक्त पर महाप्रभु ने दया किया, कि कौन थे? हाँ, प्रतापपुर महाराज राजा थे, पर ऊँचे कोटि के राजा। आजकल जो हमारे राजनीतिक नेता हैं उनमें कोई भक्तिभाव होता है, उनमें ये भाव होता है लूटो, पर प्राचीन समय में जो राजनीतिक कार्य करते थे उनकी क्या इच्छा थी? समाज का उद्धार किया जाए। तो चैतन्य महाप्रभु सात कीर्तन मंडियों में, सात कीर्तन मंडी होती थी हर के साथ, सात कीर्तन मंडियों में एक साथ नाच रहे थे। एक भक्त थे हमारे प्रताप पूजे चैतन्य महाप्रभु मुझे प्रसन्न हो गए थे, महाराज प्रताप पूजा ये इच्छा क्या थी? चैतन्य महाप्रभु का दिव्य दर्शन। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस भक्त को सुविधा दी जिसके द्वारा महाप्रभु की
मधुर लीला का दर्शन प्राप्त करते हैं और ये दर्शन केवल सात छुए भक्तों को मिल रहा था और आपको और कृपा से प्रणप्रद पूजा को भी प्राप्त हो। प्रणप्रद पूजा को क्यों प्राप्त हो? प्रणप्रद पूजा ने रथ यात्रा शुरू होने से पहले पूरे रास्ते को क्या किया? धोया धोया और खुद रगड़ा और फिर महाप्रभु ने देखा ये राजा सड़क साफ कर रहा है जगह जगह की प्रशंसा के लिए, तो फिर भगवान वे प्रसन्न हुए और उन्होंने एक खास नेत्र दिए जिसके द्वारा वो क्या है जिसके द्वारा उन्हें महाप्रभु की दिव्य लीला का दर्शन प्राप्त। तो भगवान की भगवान की कृपा प्राप्त होती है कैसे? तपस्या के द्वारा। तपस्या परम ज्योति भगवतम अधोक्षित। परम भगवान के अनेक नाम हैं जिनमें एक नाम है अधोक्षित और परम भगवान तो आध्यात्मिक तपस्या के द्वारा हमें दिव्य ज्ञान देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न हुए इस राजा की विनम्रता देख। राजा के इतना छोटे बड़ा आदमी है पर उसके मन में कोई अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं है, इसलिए उन्होंने उनको दिव्य दर्शन प्रदान। तो इसे हम ये सीखते हैं कि अगर हम विनम्रता से भाई नाम का उच्चारण करेंगे वो क्या प्राप्त होगा? भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो तात्पर्य में प्रभु जी कह रहे हैं हर व्यक्ति को तीन चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं। क्या? कृष्ण इज द बेस्ट फ्रेंड। आपके अनेक मित्र होंगे उस सब में से सबसे प्रिय कौन सा मित्र है? वो आपके शुभ चिंतक हैं। कई बार हम गीता के उपदेश को स्वीकार नहीं करते, हम सोचते हैं हाँ तुम्हारे संदेश दे दिया अब कलयुग बदल गया। पर जो भक्त है वो जानते हैं कि जो दिव्य ज्ञान है इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं, किसी प्रकार की कमी नहीं। इसलिए हमें पूरी श्रद्धा के साथ हरे नाम और शासनोपदेश स्वीकार करना चाहिए। यहाँ प्रभु जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि विराग्या का असली अर्थ क्या है? विराग्या मीन्स विनती। विराग्या है आपके पास सुविधा है इन्हें देखते कि आप उसका दुरुपयोग नहीं करते, आप उसका इंद्रियों का उपयोग करते हो किस लिए? अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप बोलो कि मैं ये बड़ी बिल्डिंग को त्याग रहा हूँ तो मेरा कोई प्रभाव पड़ेगा। तो जब आपके पास मौका है इंद्रिय देगा और आप स्पष्ट कहते हो नहीं, हमारा सबसे प्रथम लक्ष्य ये है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करें, तो फिर अगर हमें कुछ त्यागना भी पड़े हमें त्यागना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया भगवान के शरणागत होने के लिए। उन्होंने क्या कहा सबसे पहले? जो कि भक्ति के लिए अनुकूल है उसे त्यागो और जो प्रतिकूल है उसे क्या करो? त्यागो। हमारा यह प्रयास है जो अनुकूल है उसको आप क्या करो? स्वीकार करो और जो प्रतिकूल है उसे त्यागो। यहाँ पापा जी अपने में अमरीश महाराज के प्रसिद्ध श्लोक का वर्णन करते हैं, सर्वे मना कृष्णा हे मेरा मन तुम सदा
क्या करो, मान के चरण कमलों का स्मरण करो, आप हो गए, ये तो संभव है, ये संभव है, देखो संभव है, प्रयास करोगे तो ये संभव हो जाएगा। तो मन पर विजय प्राप्त करना वो तो आवश्यक है, या भक्ति योग में आगे बढ़ना। तो अमरीश महाराज ने इस लोगों का वर्णन किया, सभी मना के अमरीश महाराज राजा थे और उन्होंने बहुत सका था और तोड़े ही वाले थे, क्योंकि घर में महल में कौन कौन पहुँच गए जानवर श्री संगे था। तो अमरीश महाराज ने उन्होंने कहा बैठो प्रसाद हो, तो अमरीश महाराज राह देख रहे थे, दुर्वासा मुनि गए थे क्या स्नान करने गए और वो जिन से पहले वो स्नान करते थे और क्या दुर्वासा मुनि भूल गए क्योंकि राह देख रहे कौन अमृत। जब उन्होंने अपने मंत्रियों की सलाह ली, मैं पूछा मंत्रियों ने इस स्थिति में क्या करूँ, यहाँ जो व्रत है उसे टूटने का समय आ गया है, अगर मैं नहीं करूँगा। उन्होंने 48 दिनों की तपस्या की और मंत्रियों ने कहा तुम जल पी लो, क्योंकि जल पीना एक रूप से माना अब इसका मतलब है वर्त तोड़ रहे हो, उसी तरह से नहीं भी तोड़ रहे जल। जब उन्होंने जल पिया तो मुनि एकदम समझ गए और उनका इतना घेरा घमंड गौरव था। विरवास मुनि ने कहा इस व्यक्ति ने मेरी राह देखे बिना स्वीकार कर लिया है, उन्होंने खा लिया, फिर उन्होंने उनको श्राप देने का प्रयास किया। तो अमरीश महाराज घबराए नहीं, जब उन्होंने देखा कि दुर्वासा मुनि एक उन्हें अपने सीखे से ये सीखे से शक्ति है उसे निकाल उठाया, वो एकदम उन्होंने देखा कि राक्षस आ गया और वो राक्षस पीछा कर रहा था किसका। अमरीश महाराज ने क्या किया, राक्षस निकाला और अमरीश महाराज कुछ क्या भगवान का चिंतन कर रहे थे और उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र पीछा कर रहा था किसका और वो पहुँचे शिव जी के पास। शिवजी ने कहा मैं तो इस तपस्या का एक त्याग है, मैं सुरक्षा नहीं दे सकता। दुर्वासा मुनि सब जगह भागे, किसी कोई भी ध्यान नहीं था। अंत में वो आए अमरीश के पास, अमरीश ने तो भक्त जो है इंद्रियों का उपयोग करना चाहता है किस लिए, तो इस तात्पर्य में पापा जी ने कहा है क्या कि हमें मन बुद्धि इंद्रियों का क्या करना है, ईश्वर बना। तो भक्ति और एक साधन है जिसके पालन से आप ये प्रयास इस के पालन से इसी में सीख सकते हो। तो श्रीमद् भागवतम सुनोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे ज्ञान बढ़ेगा, श्रीमद् भागवतम का उपदेश सुनाओगे तो ज्ञान बढ़ेगा। तो श्रीमद् भागवतम का हमें उपदेश अध्ययन करना है और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन
कहेंगे तो क्या अब आदमी ज्ञान में। तो इस श्लोक में और इन श्लोकों में इस अध्याय में कपिल देव भगवान शिक्षा दे रहे हैं। आप देखते हो कि भगवत में एक ही विषय चर्चा होती है कैसे अनेक रूप में। मूल उद्देश्य क्या है सर्वधर्म पैसा जाए हमें हम तो हम थोड़े पापे मान जाए। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए हमारे अशुद्ध हृदय को क्या बनाएं शुद्ध बनाएं, अशुद्ध इंद्रियों को क्या बनाएं ये संभव है। और भगवान अपने आप अनेक रूपों में प्रकट करते हैं, आप उनकी सेवा में जुड़ सकते हैं। तो हम इस श्लोक में भगवान के प्रिय देव कह रहे हैं कि हर व्यक्ति का ये प्रथम कर्तव्य है वो तो भक्ति योग में जुड़े। भक्ति योग में जुड़ोगे तो क्या लाभ होगा, व्हाट इज द बेनिफिट, आपकी इंद्रियाँ शुद्ध बनेगी। जैसे कि जब कैटरक होता है आपको तो आप देख सकते हो और कैटरक जैसे ठीक होता है देख सकते हो। आपको बुखार है बहुत अच्छा प्रसाद दिया है पर आपको टेस्ट आएगा, अगर बुखार चले जाए अगर वो बीमारी दूर हो जाए तो वो टेस्ट आएगा। इसी प्रकार हम सब अज्ञानता में हैं, अज्ञानता में जन्म लिया है, अज्ञानता में पल रहे हैं और अक्सर प्रजा क्या अज्ञानता में जीवन को चलाते हैं। तो जो मंद भ्रमित है कौन भगवान थी गुरु कृष्ण की बापा है। और जो व्यक्ति भक्ति योग में जुड़ता है उसके लिए क्या संभव है, उसके लिए संभव है कि मन बुद्धि इंद्रियों को शुद्ध बना रखे। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा क्या कारण है कि जानते भी हम गलत कार्य करते हैं। अब जानते हो ये कार्य शास्त्र के विपरीत है हमें इसे बचना चाहिए। और हमारी इंद्रियाँ क्या बन जाती हैं हमारी स्वामी बन जाती हैं, और जो इंद्रियाँ जैसे आप देखते वैसे आप करना चाहते हैं। तो अर्जुन ने कहा जो ज्ञान दीजिए, अर्जुन ने कहा कि जो शत्रु है आध्यात्मिक जीवन का ये कहाँ है, कहाँ रहता है मन बुद्धि और इंद्रियों में रहता है। भगवान हमें पूरा उपदेश दे रहे हैं कौन है उसका पता क्या है, नव दिए उपाय, उपाय क्या है, क्या है उपाय। अगर आप भगवान कहते हैं ज्ञान की तलवार से इसका वध करो, मीन्स ज्ञान की तलवार मीन्स वॉट, उसका मतलब है ज्ञान आधारित ज्ञान के प्रयास से आप इसका विरोध कर सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करना इज वेरी इम्पोर्टेंट। संक्षेप में भगवान के पिता देव अभी माता को ज्ञान दे रहे हैं, उनकी माता ने पूछा था ये बताओ किस प्रकार मैं बौद्धिक आकर्षण से बच सकूँ। तो बेटे ने क्या कहा भक्ति योग साधन है, भक्ति योग प्राप्त होता कैसे, इसलिए हमें पूरा लाभ उठाने और अगर हम प्रयास करेंगे तो उसका उदय प्राप्त होगा। गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्फ्स। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो जो व्यक्ति प्रयास करते मुझे समझने के लिए उनमें कुछ कमी भी हो मैं दूर कर देता हूँ। गॉड इज एंग्जियस टू हेल्प। भगवान कह रहे थे अब एक कदम उठाओ भगवान की तरफ भगवान 10 कदम उठाएंगे। तो हम सबका प्रयास क्या होना चाहिए, हम निष्काम भाव से जुड़े हैं भगवान की सेवा में, उसके द्वारा असली आनंद आएगा। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा सोच नहीं करें वी मस्ट अंडरस्टैंड कृष्णा इज़ अ रियल प्रोप्राइटर, कृष्णा इज़ अ रियल एन्जॉयर। हमारे मन में ये बैम रहता है हाँ हम स्वामी हैं
वो हमें ऐसे भोगना होगा। और आपको क्या सोचना है, हु इज रियल प्रोप्राइटर एंड हु इज एंजॉयर, और कहते हैं कृष्ण इज एंजॉयर, उसको प्रैक्टिस में डालना है, और प्रैक्टिस में डालोगे फिर से वो सब। तो इस अध्याय में भगवान क्या कह रहे, भक्ति योग इज इम्पोर्टेंट, भक्ति योग कैसे प्राप्त होता है भक्तों के संग में, और हमारा भौतिक चेतना जो है इसको हमें शुद्ध बनाना है कैसे, योग के पालन करते हुए। हरे कृष्ण। Hare Krishna. We can take a few questions if you have. Is it a good question? Thank you for your nice response. My question is, जिस दृढ़ता से हम आपको देख रहे हैं, इतने होने के बाद भी सुरात्म वगैरह की और साधना तो दृढ़ता से आप हमें नमस्कार करते हैं, इस दृढ़ता को जैसे भागवतम पढ़ने या उसकी चर्चा की दृढ़ता कैसे बढ़ाए जिससे हम लोग हमारी भक्ति को आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप भक्तियों के नियमों का पालन करो और प्रयास करो, आप में कुछ कमी भी हो भगवान उसे पूरा कर देगा। गॉड इज रेडी टू हेल्प अस। हमारी समस्या ये है कि हम उनका सहयोग लेने को तैयार नहीं हैं, इसलिए शास्त्रों में कहा गया शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। और प्रभुपाद जी ने इन पर इन लोगों को समझना बहुत आसान कर दिया है। पहले तो आचार्यों का टीका था, अल्पय प्रभुपाद जी ने यही देश लेकर उसको सरल भाषा में प्रस्तुत किया, उसको तो जब हम इनका पालन करें मेरा क्या होगा, इसके द्वारा बच सकोगे बहुत ही करके। Okay, any more? Is there another question? By endeavoring. For everything in life, you have to endeavor. If you want admission in a prestigious college, you have to endeavor to prepare for it. So similarly, you need to make the effort. Nothing comes without effort. And Krishna sees, here is someone making an effort to practice humility. Then he is pleased. Krishna is pleased that those devotees who are humble, rather than those who are maybe proud and arrogant. And that's why you see this verse, Dinada Pisuni Chena, mentioned in so many purports, so many. Because Prabhupada making the point, this is very necessary. And we are sincerely making an effort, and Krishna, who is in the heart, Ishvara Sarva Bhutanam, He Desha Rajana Tashati, will help you. But you must have a genuine desire. Many times our desires are not genuine.
be desirable. And on the devotional path, viraktyā is necessary. Viraktyā means you have the facility for sense enjoyment, you still ignore it. If you don't have the facility, you don't really sacrifice again. Okay. Thank you so much. Yeah, that would. If they have a question, we'll take it and then we'll stop. Thank you. Thank you. Thank you.